हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है, आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक शुभ समाचार आया है। 2027 में ही जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। अगला एक दशक भारत के नाम रहने वाला है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये तो भारत की इकोनॉमी की रफ्तार से अभिभूत होकर दिग्गज ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टेनली कह रही है कि 2029 नहीं बल्कि 2027 में ही आर्थिक मोर्चे पर भारत जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दरअसल ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टेनली लगातार अपने अनुमानों में बदलाव कर रही। मॉर्गन स्टेनली ने महज एक हफ्ते पहले अनुमान जताया था कि भारत 2029-30 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब महज 6 से 7 दिनों में मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान को बदलते हुए दावा किया है कि भारत ये कारनामा 2027 तक ही करने में कामयाब हो जाएगा। जबकि एक हफ्ते पहले के अनुमान में 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया गया था। मॉर्गन स्टेनली ने फिर दोहराया कि अगले 10 सालों तक दुनिया भर में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले 10 साल में 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर दोगुना यानी 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक ये बढ़कर 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। दावा है कि भारत हर साल अपनी जीडीपी में 400 अरब डॉलर जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन की ही रहेगी। यही नहीं, अगले 10 साल में होने वाले कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। दावा यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक विकास दर 6.5% रहेगी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत अब 15 साल पहले के चीन के बराबर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टेनली की माने तो जीएसटी पीएलआई का डबल इंजन इंडिया में हिट है और फायदा दे रहा है। खैर, ग्लोबल एजेंसी ये भी कहती है कि सर्विसेज निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी पहले ही काफी ज्यादा है और कोरोना महामारी के काल में भी इसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का दम दिखा रहे हैं और आर्थिक मोर्चे पर ये संकेत बखूबी मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारा है। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।